सुनो भाई आवाज, और भाई मेरे को अभी भी लड़के कमेंट कर रहे हैं कि भैया इसका माइलेज बता दो यार, ढंग का बिल्कुल तरीके से। यार भाई कितनी बार बताओ इसका माइलेज, भाई 60 से 65, देखो 65 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर यह 60 तो आपको निकाल के देगी देगी, इससे कम तो नहीं देगी, पर 60 को नॉर्मल है भाई। देखो कितने आराम से चल रही है, देखो यहाँ पता चलता टॉर्क। हाँ भाई मैं रैपिडो करता हूँ, रैपिडो में क्या है देखो, मैं विद पिलियन बैठाता हूँ, रैपिडो में कस्टमर बैठाता हूँ पीछे, तब मेरे को भाई ये 55 का माइलेज निकाल के देती है। ओ, 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 ब्रेकिंग देख रहे हो क्या प्यारी ब्रेकिंग है, ओए क्या क्रिस्टल क्लियर वाटर निकल रहा है भाई पहाड़ों से, क्या लुक निकल के आ रहा है इस गाड़ी का। और मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या मॉडिफाई कराया था इसमें, देखो तो हेलो गाइस गुड इवनिंग, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज है पहला सावन, पहला सोमवार है, पहला सावन है, तो भाई आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज काम होगा ही नहीं यार, क्योंकि भाई आज पहला सावन है, तो भाई आधे से ज़्यादा बोले तो 80% लोगों का व्रत होगा, तो भाई ऑर्डर बहुत कम आएंगे। तो भाई मैंने सोचा कि अपनी एक छोटी सी राइड मारते हैं, क्योंकि आज सुबह से ना बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, बहुत तगड़ी, बोले तो मैं कब से सोच रहा था कि एक मैं राइड रिव्यू लेता हूँ, मानसून राइड रिव्यू अपनी हीरो एक्सट्रीम का, है ना, कि भाई बारिश होएगी, बारिश में अपन राइड करेंगे और आपको रिव्यू देंगे बढ़िया कि भाई इसका कैसा परफॉर्मेंस है बारिश में, क्योंकि भाई लोगों को बारिश में ना एक चीज़ का डर रहता है जो कि है ब्रेक, ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा डर रहता है ना, कि भाई पिछला ब्रेक मार दिया, अगला ब्रेक मार दिया तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो भाई वही मैं आपको रिव्यू देने वाला था, पर क्या था मेरी जो पन्नी थी ना, जो पन्नी होती है जो मैं गोप्रो और फ़ोन में लगाता हूँ, वो मेरी ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से मैं निकला नहीं। और सुबह से मैं घर में पड़ा था तो भाई बोर हो रहा था मैं सुबह से, और अभी थोड़ा मौसम साफ़ हो गया है, मैंने सोचा भाई चलो एक राइड मार के आते हैं छोटी सी अपनी हीरो एक्सट्रीम के साथ, और आपको रिव्यू भी दे देंगे साथ साथ में कि भाई कैसी चल रही है हमारी एक्सट्रीम, और भाई इसका कितनी चल चुकी है ये भी बता देता हूँ आपको। भाई मेरी गाड़ी चल चुकी है 11,855 किलोमीटर, जो कि भाई बहुत ज़्यादा होता है 3 महीने के अंदर, हाँ 3-3.5 महीने ही हुए थे लिए हुए, भाई इतनी चला दी मैंने ये गाड़ी। तो भाई किचड़ देखो ना कितना हो रहा भयंकर, ये गाड़ी है बहुत अच्छी कुछ भी बोलो, पर इस गाड़ी में एक कमी है जो कि हीरो वालों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, पता है आपको। इसकी एक प्रॉब्लम थी कि भाई इसका मीटर ना दिखता नहीं था, राइडर को ही नहीं दिखता था इसका मीटर, कैमरा तो बहुत दूर की बात है, राइडर को ही नहीं दिखता था इसका मीटर दिन में, तो भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हीरो वालों ने, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट बोले तो अभी जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है ना हीरो की एक्सट्रीम 125R, उनमें मीटर जो है ना ज़्यादा ब्राइट है। मैं एक दिन गया था शोरूम जब मेरी लास्ट सर्विस थी, चौथी सर्विस, तो भाई एक अंकल आ रखे थे अपना गाड़ी का पहला सर्विस कराने, उनकी 900 कुछ चल रखी थी, ठीक है, तो भाई उनका मैंने मीटर देखा, मैंने बोला अंकल आप अपना मीटर देखो और मेरा मीटर देखो, भाई मेरा मीटर बोले तो थोड़ा कूलेस्ट फिल्टर में है ना, और जो नई वाली एक्सट्रीम का मीटर है उसका है थोड़ा वार्म फिल्टर में, तो वार्म जो कलर होता है ना भाई ज़्यादा ब्राइट होता है, तो वही है कि भाई वो वाला जो कलर है मीटर का वो ज़्यादा ब्राइट है, तो इस वजह से भाई राइडर को अच्छे से विजिबल हो रहा है, बस ये वाला जो मीटर है ना वो भाई वो है थोड़ा। मैंने पूछा भी था मीटर चेंज हो जाएगा क्या, बोले तो बहुत कॉस्टली है भाई मत ही कराओ, तो मैंने बोला क्या कराना भयंकर अपना यही बढ़िया है भाई, पर यह है कि सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, बहुत जल्दी सॉल्व कर दी भाई हीरो एक्सट्रीम वालों ने। मैं तो सोच रहा था भाई पता नहीं कौन से सन में जाके होगी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व, बाकी देखो आप खुद ही देखो ना कितना कम विजिबल हो रहा है, बाकी स्क्रैच वगैरह लग गए यार मेरी गाड़ी में मीटर में ना, इसका वो करवाऊंगा PPF वगैरह टेम्पर्ड लगवाऊंगा इसमें, बाकी खोलो यार जल्दी। देख रहे ज़रा रुक नहीं रहे भाई, बिल्कुल नहीं रुक रहे, इसको ना अगर आपको अगर इसको क्रूज़ करना है किसी हाईवे पे क्रूज़ कर रहा है, लॉन्ग टूर जा रहे हो आप इसको लेके, इसकी क्रूजिंग जो स्पीड है ना भाई 80 नॉर्मल है भाई, 80 पे क्रूज़ कर सकते हो आप इसको इजीली, बताओ क्यों, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हाई RPM पे लेके जाओगे ना इसको, इससे ज़्यादा हाई RPM पे क्रूज़ करोगे तो भाई आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगा,
ठीक है, तो आपके हाथ वगैरह भी दुखेंगे अगर ज़्यादा लॉन्ग टूर मारोगे, लॉन्ग क्रूज़ करोगे तो। बाकी 70-80 नॉर्मल क्रूज़ हो सकता है इसको, पाँचवें गियर पे 70 आराम से क्रूज़ कर सकते हो आप लोग। ओए होए, बादल पहाड़ों पे, बादल देख के ना खुशी हो जाती है कि भाई मानसून का मौसम जो होता है ना सबसे प्यारा मौसम होता है। बाकी देखो बारिश पड़ने के बाद जो भाई मौसम होता है ना बहुत प्यारा हो जाता है। और ये देखो, ओए होए, पेड़ एकदम धुल चुके हैं भाई धूल मट्टी से। भाई इसकी ब्रेकिंग बहुत प्यारी है, कुछ भी बोलो। और अगर इंजन ब्रेकिंग करनी आती है तो भाई चार चांद लग जाते हैं इसके ब्रेकिंग में भाई, कहीं भी खड़ी हो जाएगी कहीं भी। ये देखो ऐसे ऐसे कार्टून लोग भयंकर ओवरटेक मार रहे जरी सी रोड में। ओए होए, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। चलो गाइस आज आपको पहले तो स्टेडियम का चक्कर लगा के आते हैं, वहाँ पे भी लोग राइडर लोग आते रहते हैं वीडियो वगैरह शूट करने। अपने पास तो कोई बंदा ही नहीं है भाई वीडियो शूट करने के लिए, सब बंदे बिजी हैं भाई अपनी लाइफ में, होना भी चाहिए भाई बिजी। ओफ आओ, पहाड़ क्या सुंदर दिख रहे हैं भाई। वाओ भाई, कितनी बार भी बोल दूं आपको इसकी ब्रेकिंग भाई इतनी प्यारी ब्रेकिंग है ना भाई इसकी, इसने मेरे को बचाया भाई बहुत बार। अगर सही बताऊं अगर इस गाड़ी में ABS ना होता ना मैं अभी तक पता नहीं कितनी बार गिर चुका होता इस गाड़ी से। मतलब तो भाई ABS ने मेरे को बहुत बार बचाया है भाई। ABS में क्या सीन है, ABS जाम नहीं होता है, तो भाई वही था। अगर मेरे पास नॉर्मल गाड़ी होती डिस वाली तो भाई मैं पक्का स्लिप हो जाता वहाँ पे। तो भाई ABS बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मैं आपको अभी भी ये बोल रहा हूँ कि भाई आप राइडर ना लेके आप एक्सट्रीम पे जाओ, क्योंकि भाई एक्सट्रीम आपको ABS प्रोवाइड कर रहा है 1,20,000 रुपये में, आप फिर भी राइडर के पास जा रहे हो क्यों? राइडर में ऐसा क्या है भाई? बस राइडर का ये है कि राइडर का मीटर कंसोल ज़्यादा इससे प्यारा है, इतना मेरे को पता है, और राइडर में कुछ नहीं है भाई। राइडर का हल्का फुल्का लुक है, स्पोर्टी लुक भी नहीं लगता मेरे को तो उसका। इसका देखो भैया क्या स्पोर्टी लुक है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ, सबसे पहले आपका सेफ्टी होना चाहिए, जो आपकी सेफ्टी है भाई उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेफ्टी है ना भाई। तो भाई आजकल ABS वाली गाड़ियाँ ही आ रही हैं, क्यों? क्योंकि उनमें पावर ज़्यादा है भाई। पहले की गाड़ियों में इतनी पावर नहीं थी तो बंदा कंट्रोल कर लेता विदाउट ABS के। आज के टाइम पे भाई रश इतना हो गया है मार्केट में, हल्का सा बंदा ओवर स्पीडिंग करे तो एकदम से पैनिक ब्रेकिंग हो जाती है, कोई ना कोई बीच में आ जाता है। और शहरों का तो भाई पता नहीं, पर अपने देहरादून का मैं बता सकता हूँ, कोई भी बंदा कहीं से भी निकल सकता है। ओए होए, वाओ, भाई लो जी गाइस पहुंच चुके हैं अपन स्टेडियम वाली रोड पे। ये मार दे इंडिकेटर, ये डाउन शिफ्ट किया हमने और ये डाल दी भाई हमने स्टेडियम वाली रोड पे गड्डी। एक राउंड लगा के आते हैं, है कोई जानने वाला इधर? नहीं यार, आरुण भाई पता। बाकी भाई आ गया अपना क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल। अभी यहाँ पे आपको तीसरे गियर पे ना मैं हाई RPM की आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है? सुनो गाइस आवाज, भाई क्या आवाज निकाल रही है। ओ माय गुडनेस, सामने पहाड़ देखो क्या ब्यूटीफुल है। चलो गाइस थोड़ा सा माल देते के पुल पे चलते हैं। चलो गाइस थोड़ा सा माल देवता के पुल पे चलते हैं, उधर से तो होके आ गया मैं, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, भयंकर बोरियत आ रही वहाँ जाके भी। साथ वाले लड़के होते हैं तो मज़ा आता है यार, अब अकेला कहाँ घूमूंगा मैं वहाँ। और भाई मेरे को अभी भी लड़के कमेंट कर रहे हैं कि भैया इसका माइलेज बता दो यार ढंग का बिल्कुल तरीके से। यार भाई कितनी बार बताओ इसका माइलेज भाई,
60 से 65, देखो 65 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर यह 60 तो आपको निकाल के देगी देगी, इससे कम तो नहीं देगी, पर 60 को नॉर्मल है भाई। अगर आप विद पिलियन के साथ घूम रहे हो तो भाई आपको 55 तक का निकाल देगी, पर भाई इससे कम का नहीं निकाल के देगी। अगर आपका माइलेज इससे कम निकल रहा है तो भाई प्लीज़ शोरूम पे जाके एक बार टेस्ट कराओ उसको कि भाई इतना कम माइलेज क्यों आ रहा है। भाई मेरी गाड़ी तो भाई आराम से 55-60 निकाल देती है अगर मैं रैपिडो करता हूँ। रैपिडो में मैं देखो कितने आराम से चल रही है, देखो यहाँ पता चल रहा टॉर्क। हाँ भाई मैं रैपिडो करता हूँ, रैपिडो में क्या है देखो, मैं विद पिलियन बैठाता हूँ, रैपिडो में कस्टमर बैठाता हूँ पीछे, तब मेरे को भाई ये 55 का माइलेज निकाल के देती है। जब मैं सिंगल राइड करता हूँ तब भाई आराम से 60 से 62-63 का माइलेज निकाल देती है। और अगर आपको माइलेज वाली वीडियो चाहिए तो भाई मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है, भाई मैंने 70 का माइलेज निकाला था हीरो एक्सट्रीम पे। अभी आप खुद देख लो कि 70 का माइलेज भी भाई बुरा नहीं होता है, बहुत तगड़ा माइलेज है भाई 70 का, कंपनी से ज़्यादा माइलेज दे रही है, जितना कंपनी क्लेम कर रही है उससे ज़्यादा माइलेज दे रही है। बाकी व्यू चेक करो आप, एक नंबर व्यू है। थोड़ा सा और ऊपर की साइड चलते हैं क्योंकि ये वाला पहाड़ मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। पहाड़ जितने प्यारे होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। ये मजा आता भाई गियर शिफ्टिंग करने में। बस ये है कि भाई इसका गियर ना अभी भी हार्ड शिफ्ट हो रहे भाई, बीच में थोड़े से सही हो गए थे पर अभी फिर से वैसे हो गए नॉर्मल, क्योंकि ब्रेकिंग देख रहे हो क्या प्यारी ब्रेकिंग है। ओए क्या क्रिस्टल क्लियर वाटर निकल रहा है भाई पहाड़ों से, वाओ। एक बढ़िया सा वो मिल जाए वहाँ, एक बढ़िया सा इसका सिनेमैटिक बनाता हूँ आप लोगों के लिए प्यारा सा, जैसे देख के आपको मज़ा आ जाए भाई। और भाई मेरे को कमेंट, ओए होए वाओ, क्या लुक निकल के आ रहा है इस गाड़ी का। अब मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या मॉडिफाई कराया था इसमें। देखो मैंने सारी वीडियो में बताया आपको क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन कराया है इसमें। बाकी देखो सबसे पहले तो मैंने इसका वेदर बदलवाया था, ठीक है। इसका वेदर का कॉस्ट आया था मेरे को कम से कम, ज़्यादा नहीं, 325 रुपये या 350 रुपये मैंने ऑफ मार्केट लिया था इसको, ऑफलाइन नहीं लिया था मैंने, दुकान से लिया था। बाकी भाई इसके मैंने प्रोड्यूस डलवाए थे जो इनकी कॉस्ट आई थी मेरे को 299 रुपये अमेज़ोन पे। बाकी इसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको। और भाई इधर से मैं आपको दिखाऊं तो इधर से मैंने इस गाड़ी में मोहिनी नाम लिखवाया था, जो कि इस गाड़ी का नाम मैंने रखा है मोहिनी। और भाई ये आपको स्ट्रिप दिख रही है, स्ट्रिप ये मैंने डलवाई थी इसमें 200 रुपये की चारों तरफ से, इधर भी है और उधर भी है। बाकी टोटल कॉस्ट इसकी वही है 300-600 भाई, 600-700 रुपये में आपको बढ़िया एक गाड़ी रेडी करके मिल गई है। क्या चाहिए भाई, कितनी बल्की लग रही है देखो पहाड़ के साथ साथ। भाई और क्या पॉइंट बताऊं आपको इस गाड़ी के बारे में जब मैं निकलता हूं ना घर से, मैं सोचता हूं भयंकर आज मैं बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताऊंगा आपको गाड़ी के बारे में, मस्त मस्त पॉइंट बताऊंगा आपको, तो क्या बताऊं भयंकर मैं खुद बोर हो जाता हूं। सब तो बताइए आपको इसके बारे में, कोई ऐसी कमी है नहीं इस गाड़ी में कि भाई जो कमियाँ निकालूँ मैं, सब कुछ पता है आपके बारे में और सारी अच्छी चीज़ें हैं, कोई बैड थिंग नहीं है इसके बारे में, सब बढ़िया है। बाकी फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे छोटे से झरने पे, बढ़िया है। बूम 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 बूम। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको कल अपना जोमेटो रैपिडो और ये जो भी करते हैं हम लोग उसी के साथ मिलते हैं आपको। बाकी तो भाई कुछ है नहीं दिखाने के लिए आपको अपने देहरादून में, अगर कहीं ऊपर की साइड घूमने जाओ तो बात भी है, अपने इधर तो बोर हो गए घूम घूम के, माल देवता तो हर किसी को पता है।
माल देता हूँ, कुछ नहीं है दिखाने लायक। ओफो क्या व्यू दिख रहा भाई यहाँ से।